हाँ हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? एकदम अच्छे मैम, आप? मैं भी एकदम अच्छी हूँ. टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? सबसे पहले तो ये बताओ. पिछले बार से अच्छा मैम. पिछले बार से बहुत अच्छा. अच्छा, इस बार अच्छे से पढ़ाई किया था? यस मैम. एक सेकंड, मेरी आवाज शायद वापस हो रही है. हाँ ठीक है. तो सबसे हाईएस्ट आई थिंक अभी तक जितने मेरे पास आए हैं आंसर, उसमें से आई बिलीव, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन. अरे 53/53. रश्मि, रश्मि है यहाँ पे? 53/53 रश्मि के हैं. फिर उसके बाद आई थिंक 51 अपार के हैं. अपार 51 है ना आपके मैम? 49. 49 है, 49 है. तो 49 जो है हमारे श्रीश के भी जो है 49 है. यस मैम. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रश्मि, रश्मि को बुलाते हैं. चलो एक सेकेंड, मैं ना पासवर्ड दे देती हूँ. विल स्टार्ट इन लाइक अनदर 2 मिनट्स. लेट एवरीबडी ज्वाइन. पासवर्ड भी मांग रहे हैं बच्चे. ओके okay. अभी सब प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लो. जब बोलना नहीं है तब तक सब अपने माइक म्यूट करके रखो. डाउट्स हैं कि नहीं है कि आज हम ऐसे ही बातचीत करने वाले हैं एक दूसरे से? डाउट्स है. डाउट्स है. चलो ठीक है. हेलो मैम. हाय. हेलो. हाय मैम. हेलो जी. हेलो. हाय मैम. चिराग. हाय चिराग, हाउ आर यू? फाइन मैम. व्हाट टाइम इज इट इन दुबई मैम? 1:33, 1:34 नाउ. ओह ओके, डेढ़ घंटे का फर्क है. चलो बहुत बढ़िया. टेस्ट कैसा गया आपका चिराग? यस मैम, गुड. गुड. हाउ मच डू यू स्कोर? मैम ओनली 2 वर रॉन्ग. यू स्कोर्ड 51. या एंड आई हैव सम डाउट इन दैट. Yeah, definitely. We will discuss those questions for sure. Chalo, I think jab jinko aana hoga wo aa jayenge. We'll start the session right now. Chalo, ab jo hai ek ek karke aap apna doubts poochte jana. Mere yahan pe numbering alag hai kyunki jo jis format mein, jis numbering mein main deti hu, to wo jo hai shuffle kar deti hai meri team, taki jo hai kuch confusion na rahe. Just for the sake of bringing freshness to the test. So, आप जो अपने टेस्ट जो भी जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है उसके स्टार्टिंग के कुछ जो है एक लाइन बोल देना, सो दैट मेरे को समझ आ जाए वो कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर अलग होगा,
ठीक है. सो स्टार्ट करो अपने डाउट्स पूछना एंड जिसको भी पहले पूछना है पूछ लो. आई मीन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि नहीं. हां पूछो चिराग प्लीज प्लीज प्लीज. या वन क्वेश्चन लाइक कंसीडरेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन लेवल इज कॉल्ड डैश. फोर ऑप्शंस थे उसमें. हां उसमें डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी सेंट्रलाइजेशन. उसमें मैंने ऑप्शन डी चूज किया. डेलीगेट सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन डी वो चूज किया मैंने. हाँ उसका आंसर सही है. आपने गलत किया. ये मैंने कल इनको करेक्ट भी करवाया था. इन्होंने जो है गड़बड़ कर दिया. ठीक है ये आंसर सेंट्रलाइजेशन ही है. मैंने भी सेंट्रलाइजेशन किया था उसमें. हाँ उसका आंसर सेंट्रलाइजेशन. मैम मैंने भी यही किया था. अरे मान गई मैम. हाँ तो अभी हाँ सेम मैम. जिसके भी जो है मार्क्स एक डिडक्ट हुआ था उसका सबका एक एक बढ़ा लो समझो. ठीक है ना. वो मैंने कल करेक्ट भी कराया था. ये मेरी टीम भी तो शैतान है. सिर्फ तुम लोग ही थोड़ी ना शैतान हो. सही नहीं किया था. चलो ये आंसर सबका ठीक है. और बताओ और कौन सा क्वेश्चन है. मैम वन प्लान वन बॉस. आराम से बच्चा आराम से एक एक करके पूछो एक एक करके. मैम वन प्लान वन बॉस. ये पूछा है श्रीश ने. मैम अपार. अपार. अच्छा अपार वन प्लान यूनिटी ऑफ कमांड. हाँ वन प्लान वन बॉस में तो जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अच्छा हाँ ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही तो आएगा इसमें. नहीं आई थिंक इसमें यूनिटी. अच्छा वो वाला क्वेश्चन है. एक डायरेक्शन ही आएगा. मैं ये वही है ना जिसमें मैम उसमें तो वन हेड था ना मैम. एक सेकंड रुको लेट मी जस्ट वेरीफाई फ्रॉम एनसीईआरटी. आप सबको भी देखनी है गैन से आटी. इफ यू वांट तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ. हाँ ना अब तो बोल दो. यस मैम बिल्कुल. चलो ठीक है मैं भी एक सेकंड स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी. इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है. चेक किया तुमने एनसी वही है ना. लिखा हुआ है वन हेड एंड वन प्लान लिखा हुआ है. कमांड ही है ना उसका. डायरेक्शन नो डायरेक्शन है. हां हमें वही यूज का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही है क्योंकि कमांड में जैसे जो है ना कमांड में जो है बेसिकली वो होता है कि कमांड हमें एक ही बंदे से मिलनी चाहिए बेसिकली ये वाला. और वो था ना जिसमें बेसिकली एक सेकंड रुको मेरे लाइपैड में कुछ दिक्कत आ रही है. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ओके इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन देन मुझे बताना ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको. Yes, चलो ठीक है बहुत बढ़िया. तो अभी yes, जो है मैं आपको बताती हूँ. देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम देखते हैं कि हमें एक्चुअली में कहाँ पे ये जो लिखा हुआ है. देखो मैंने डायरेक्शन ढूंढा है ये रहा. देखो ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. और जो वन बॉस वाली चीज है वो यहाँ पे शुड हैव टू सेपरेट डिविजन्स नो एन एग्जीक्यूशन. हाँ सेकेंड लाइन में दिया हुआ है एज ग्रुप से. राइट ठीक है ना. और अब कमांड से जो है आपका कंफ्यूजन क्यों हुआ उसको भी जरा एक बार पढ़ लेते हैं. ये रहा यूनिटी ऑफ कमांड. देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल. बेसिकली ये था कि हमें जो कमांड मिलनी है ये कि एक ही बॉस से मिलनी चाहिए क्योंकि अगर दो दो बॉस से अगर हमें कमांड मिलेंगी तो हम सब क्या हो जाएंगे कंफ्यूज रहेंगे इनफैक्ट जो एम्प्लॉयज हैं. और डायरेक्शन में जो है हमें वो ध्यान रखना है कि जो एक बॉस है उसको जो है वन हेड को जो है
एक एक प्लान जो है मिलना चाहिए, ठीक है ना? ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और डाउट मैम. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल वेयर एज डैश प्रिंसिपल्स आर रिजिड. प्योर साइंस है इसका तो आंसर. चार ऑप्शंस थे. प्योर साइंस है. मैं सी में कंफ्यूज हो गया. हाँ, आपने क्या भरा? साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया मैंने. नहीं नहीं, प्योर साइंस है उसका, ठीक है ना? क्योंकि प्योर साइंस में जैसे अब आपको पता है जो फॉर्मूला है H2O का, तो वो लाइक यू गो टू USA, यू गो टू इंडिया, यू गो टू नेदरलैंड्स, एवरीवेयर द फॉर्मूला विल बी सेम. एवरीवेयर द जो उसका कॉम्पोजिशन है वो सब सब जगह सेम रहेगा. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी रिजिड. हाउएवर जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट प्रिंसिपल्स भी जो है रिजिड नहीं है. मतलब आप साइंटिफिक टेक्निक्स की बात कर लो, या फिर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात कर लो, या फिर इन जनरल जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं आप उनकी बात कर लो, सब जगह दे आर फ्लेक्सिबल बिकॉज उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस है. और जहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस आ गया चीज़ें, वहाँ से सब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती हैं. और सब्जेक्टिविटी जहाँ पे आ जाती है, फिर इसका मतलब यही है कि भाई वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट होगा, और वो सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस वेरी करेगा, ठीक है ना? ओके मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी मैम, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायोलेटेड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल. मैनेजमेंट डिसिप्लिन किया था. हाँ, मैं आपको बताती हूँ. एक सेकंड, दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो बस क्वेश्चन की. हेलो. According to Henry Fayol. हाँ, according. With this principle of general management. अच्छा, एक second. हाँ, ये रहा. According to Henry Fayol, if this बेटा अपने माइक जो है जरा कृष्णा माइक ऑफ करो प्लीज. हाँ, according to Henry Fayol, if this principle of general management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy. Order disturbed and stability threatened. Identify the principle. Four options hai hamare, authority and responsibility, discipline, unity of command or equity. Ab aapko isme kya doubt tha mujhe batao. Ma'am, maine discipline kiya. Discipline kiya tha. Answer unity of command dikha raha. Answer iska unity of command hai, kyunki main aapko batati hu kyun. Ye dekho. ध्यान से पढ़ना, ठीक है? He felt that if this principle is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order is disturbed and stability is threatened. और ये किस में लिखा हुआ है? Unity of command में. डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठकर आया हुआ है, और उसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं. हालांकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है यार, अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो जो है ऐसे होगा. लेकिन हेनरी फेयोल ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई आपका अगर यूनिटी ऑफ कमांड में जो है अथॉरिटी जो है अंडरमाइन हो जाएगी, अगर आपका डिसिप्लिन जो है जेपर्डी में. और आप ये देखो ना, डिसिप्लिन यही लिखा हुआ है, तो जो है इसका थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे एनसीईआरटी का याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आप बोलोगे ना हमें तो हर लाइन नहीं याद रह सकती, इसीलिए जो है हम एमसीक्यू करते हैं. अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो सबको जो है क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यार, इसका आंसर तो जो है यूनिटी ऑफ कमांड है, क्योंकि अपन गलती करके साथ सीखते हैं. और ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको जो है वर्ड टू वर्ड जो है रटा होना चाहिए एनसीईआरटी का, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट एटलीस्ट जहाँ पे एमसीक्यू है वहाँ पे हमें आना चाहिए कि यार ये कौन से टॉपिक में से आंसर आया है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन उठ के आया है, कौन से चैप्टर में से उठ के आया है. एंड जितने ज़्यादा हम एमसीक्यू करेंगे उतने ज़्यादा जो है हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी. मैं थोड़ा सा वर्किंग करवा रही हूँ पीछे से, और एमसीक्यू जो है मैं डेवलप करवाने की कोशिश कर रही हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे. अभी तो देखो हमने 53 करे हैं, बट इन फ्यूचर विल डू लाइक एटलीस्ट 100 to 150 एक चैप्टर में से एमसीक्यू अगर हम करेंगे, तो फिर हमारे जो चांसेस हैं एटलीस्ट एमसीक्यू गलत होने के वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो. अपार ना बड़ी देर से बोल रहा है, प्लीज अपार तुम पूछो. अब अपार तुम्हारी टर्न है बेटा. चलो अपार चले गए तो हर्ष पूछ लेंगे. हर्ष पूछो. हाँ मैम, मेरे को वो असेंबली लाइन वाले क्वेश्चन में डाउट है. असेंबली लाइन वाले क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको दिखा देती हूँ. असेंबली लाइन वाला भी लाइन जो है ना वो बिल्कुल लिखा हुआ है, बुक का ही उठाया हुआ है.
ये देखो यहां से पढ़ना शुरू करो. ऑपरेशंस रिसर्च वाज डेवलप्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर मटेरियल. सिमिलरली असेंबली लाइन वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर which was used very successfully by Ford Motor Company for manufacturing Model T car for the masses. Aur ye topic hai differential piece wage system. Iska answer aapne kya likha tha? Ma'am, B kiya tha. Method study. Ek second ruko. Iska answer jo hai हाँ, इसका आंसर मेथड स्टडी है. राइट, तो आंसर सही तो है. तुमने क्या गलत करा है? मैम मैंने बी कर दिया था. मुझे लगा कि मैम वो जो कार्स उससे रिलेटेड हो. राइट राइट राइट. सी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ जो वर्क है ना, डेफिनेटली मतलब कंफ्यूजन हो सकती है इस केस में. लेकिन आप ये देखो, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क से पहले जो है मेथड ऑफ स्टडी आता है कि पहले अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली में काम क्या है, उसके बाद ही तो हम स्टैंडर्डाइजेशन ला पाएंगे ना हर्ष. जैसे मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो है किसी काम को करने का स्टैंडर्ड लाइक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कितनी देर लगनी चाहिए. राइट, वो सब चीजें जो है हम मेथड स्टडी में स्टडी करते हैं. ठीक है ना? ओके. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो. चलो और कोई डाउट नहीं है आप तुम लोगों का? मैम मेरा. हाँ जी श्रुति, कैसे हो तुम? मैम अच्छी हूँ, आप बताइए. बस बस बेटा बोलो. ये वाला, the application of the principle of management has to be changed as per okay. requirement. The application of management. एक सेकंड, मैं ढूंढ रही हूँ क्वेश्चन. हाँ ये रहा, मुझे मिल गया. 15 था क्या तुम्हारा भी ये क्वेश्चन? No ma'am, 39. हाँ पूरा शफल कर दिया. हाँ, सो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ जरा जो है. अब है ना, कोई जिसका आंसर ये ठीक आया था उसको जो है ये क्वेश्चन का रिप्लाई करना पड़ेगा श्रुति के डाउट का. ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो. द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. व्हिच फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट? चार ऑप्शंस: कंटिंजेंट, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जनरल गाइडलाइंस. मैम कंटिंजेंट. कंटिंजेंट होना चाहिए दीपा. कंटिंजेंट. अब बताओ जरा, जरा समझाओ, जरा श्रुति को समझाओ क्यों यहाँ पे कंटिंजेंट है. अब नहीं, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है दैट इज टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, इसलिए कंटिंजेंट है. ओके, और कोई बताना चाहेगा? मैम मैंने तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किया. आपने वो क्यों किया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? उसका एग्जांपल मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दो मुझे. मैम मुझे लगा कि सरकमस्टेंस चेंज होती है तो उसका एक्शन लेते हैं एंड अपन रिएक्शन मतलब उसका रिजल्ट हमें उसमें चेंज लाके करते हैं, सो मैं ऐसा समझ के किया. अच्छा अच्छा, जरा देखो ध्यान से पढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा हुआ है. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड एज पर द requirements, ठीक है, of the prevailing situation at a particular point of time. जहाँ पे particular point of time आ गया ना, वहाँ पे आप ये समझो कि हमारे जो actions हैं, they are contingent, basically they are dependent upon a prevailing situation. ये देखो यहाँ पे line भी लिखी हुई है. ठीक है, cause and effect में क्या होता है, पहले हम कुछ चीज करते हैं. cause and effect आप ये मान लो every action has an equal and opposite reaction वाला जो Isaac Newton का जो rule है ना, उससे आप थोड़ा सा relate करो. उसमें क्या है, एक चीज cause होगी, एक चीज जो है cause करती है, उसके क्या जो है effect पड़ता है फिर. ठीक है, but contingent here we are talking कि हमारे जो principles जो हमें apply करने हैं basically they are dependent based, ठीक है ना, they're dependent on the prevailing situation at a particular point of time. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है मैम, खुशी वगैरह भी कर रहे हैं, उनका मैसेज आया ग्रुप में, ऐड कर लूं मैं. अच्छा अच्छा, मैं ऐड करती हूँ, एक मिनट. कर दिया मैंने, ऐड कर दिया.
ठीक है, और बताओ मैम. एक और क्वेश्चन था. हाँ श्रुति पूछो बेटा. मैम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट according to this principle of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and workers are one and the same thing. ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है हाँ, the prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. आपने कौन सा आंसर करा था? मैं मुझे तो समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन. समझ नहीं आया था पर फिर भी आंसर कौन सा करा था? All of above कर दिया था. मैं अब आपको ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो मैं बताती हूँ, फिर मैं आपको जो है वहां से आपका एक्सप्लेनेशन जो है बिल्ड करना स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, एक सेकेंड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है. ठीक है, यहाँ पे जो है बेसिकली फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर सर्व्ड एज लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स. ये तो लाइन हमें पता है कि भाई जो है मैनेजर्स जो होते हैं वो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स और जो टॉप मैनेजमेंट होती है जो ओनर्स होते हैं उनके बीच में एक लिंक सर्व करते हैं ना, मिडिल मैनेजमेंट बेसिकली. टॉप मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके बीच में एक जो है मीडिएटर की तरह काम करती है. अब यहाँ पे लाइन देखो, साफ साफ टेलर जी ने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन, ठीक है, दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम. यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारे वर्कर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनका ट्रू इंटरेस्ट है वो वन एंड द सेम ही है, विच इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन उन वर्कर्स की उन एम्प्लॉयज की सैलरी दे पाएगी, राइट. अगर एम्प्लॉयज काम करना बंद कर दें तो फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा तो सैलरीज कहाँ से जाएंगी. आई मीन इट्स ऑल कनेक्टेड, ठीक है ना. सो यहाँ पे क्लियरली इसीलिए टेलर जी ने लिखा हुआ है कि ये जो है ना इनका जो रिलेशन है एम्प्लॉयज का और वर्कर्स का, इट इज द फाउंडेशन, इट लेज द फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है. जब अपन बिल्डिंग बनाते हैं तब अपन नींव डालते हैं ना, नींव उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन डालना. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव जो है ना वो यही होती है कि एम्प्लॉयज और ओनर्स यानी जो मैनेजमेंट है उनके जो इंटरेस्ट है वो दोनों के मैच करने चाहिए. अगर नहीं मैच करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस का बेड़ा गर्क होता है. और हमने देखा भी है पास्ट में कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डूबी हैं प्रमोटर्स के गलतियों की वजह से. कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट सुना है, तो विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट के चक्कर में जिसमें एक जो है अंदर की सारे इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक कर देता है पब्लिक फोरम पे, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे जो है केसेस हुए हैं. और जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ढंग से नहीं काम करते हैं, तो जैसे हम अभी देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कभी जाके देखो BSNL वगैरह, आप तो खैर नहीं चलता, बट इनकेस वैसे भी आप कभी BSNL वगैरह जाते हो तो वहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं. इसलिए हम जो ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये सरकारी काम बेकार है. यहीं अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं जहाँ पे जो टॉप क्लास लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें बोलते हैं यार ये मजा आ गया यार, बढ़िया जो सर्विस मिली है. सो यू नो इट डिपेंड्स कि अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉई अपने इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार उनके एफर्ट्स जो है अल्टीमेटली सरकार को हेल्प कर रहे हैं, देश की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं. नोबडी थिंक्स अबाउट दैट, ठीक है. सो इसीलिए वहाँ पे जो है मिसमैच हो जाता है एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी गवर्नमेंट की जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट लाइक जिनसे एटलीस्ट हमारा डील होना होता है वो वाली में तो नहीं होते ढंग के लोग, ठीक है ना. हाँ मैम, बट इसमें अपन कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल भी तो आ सकता है बेटा. आ तो सकता है, अब NCERT तो बोलेगा कि हाँ यार देखो आ तो सकता है,
आप समझ रहे हो, लेकिन बुक में जहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लॉजिक के ऊपर क्या है, बुक मैटर करती है, ठीक है। और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को तो हटाई दो, वो तो अलग ही पॉइंट है। आपने तो ऑल ऑफ द अबव कर दिया ना, पहले हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलो मैं आपको वो भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। This principle is the extension of harmony, not discord. यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है उसी का ही ये extension है। Competition should be replaced by cooperation. यहाँ पे जो है ये महत्व ये दिखा रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से compete नहीं करना, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है cooperate करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट और इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है, वो सेम होने चाहिए। और जो ये आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, ये काम से रिलेटेड है। और ये वाला जो पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये कंपनी के इंटरेस्ट, बेसिकली कंपनी के इंटरेस्ट में दोनों आ जाएंगे, एम्प्लॉयज भी और एम्प्लॉयर भी, यानी जो हमारे ओनर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, डन। और क्वेश्चंस पूछिए मैम। क्वेश्चन 37 बेटा मेरा ना अलग है, तो आप जरा कुछ स्टार्टिंग की लाइंस पढ़िए, सो दैट आई मैं फाइंड करके जो है। मैम रूल ऑफ थंब रेफर्स टू रूल ऑफ थंब। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, नाम भी बता दो। अवनीश। रूल ऑफ थंब, हाँ जी, रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, जिस जिसका सही है वो जो है जरा अवनीश को बताना कि जो है क्या क्या आएगा, ठीक है। चलो, रूल ऑफ थंब रेफर्स टू नंबर वन, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज। पॉइंट नंबर टू, अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर? सी है, बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द अबव। और चिराग जरा एक्सप्लेनेशन भी दो अवनीश को। रूल ऑफ थंब मतलब एकदम लाइक पिछले टेक्निक्स होते हैं ना, एकदम जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसको अडॉप्ट करना होता है उसमें, और इसमें पर्सनल जजमेंट भी होता है मैनेजर्स का। पर्सनल जजमेंट लगा के वो लोग इश्यूज को हैंडल करते हैं, और स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स नहीं यूज करते वो लोग, ओल्ड टेक्निक्स यूज करके वो लोग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करते हैं, तो उसको रूल ऑफ थंब बोलते हैं। बोथ ऑफ द अबव है। सो अवनीश, जब हमने रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये था ना हमारा मेन, जब हमने ये पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था, रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। इज दैट माय फोन? ओ यस, गिव मी वन सेकंड। हाँ जी, आई एम बैक। हाँ, तो जब हमने रूल ऑफ थंब पढ़ा था ना अवनीश, तब हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि हमें जो काम करवाना है ना, उसमें हमें साइंस को अप्लाई करना है, हमें रूल ऑफ थंब को नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको जरा दोबारा से एक बार पढ़ा देती हूँ ताकि हमारा रिकॉल हो जाए, ठीक है। In earlier days of industrial revolution, in the absence of an established theory of factory organization, factory owners or managers relied upon personal judgment. ठीक है, किस पे rely करते थे वो? Personal judgment के, कि भाई तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम अपने हिसाब से कर लो। In attending to the problems they confronted in the course of managing their work, this is referred to as rule of thumb. Managing factories by rule of thumb enabled them to handle situation as they arose, but they suffered from limitation of a trial and error approach. ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें जो है, personal judgment वाली चीज भी और कि trial and error का जो limitation है वो दोनों उससे suffer करते हैं अगर हम rule of thumb को apply करते हैं। देखो, अभी जब तक साइंस नहीं है तो मैं भी बोल देती ना यार, पानी का जो फॉर्मूला है ना वो होना चाहिए H1 2 3 O, ठीक है ना, मतलब मैंने बोल दिया।
बट साइंस है, साइंस इज रिजिड, यू कैन नॉट क्वेश्चन साइंस बिकॉज हर जगह पे बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा तब जाके जो है साइंस के प्रिंसिपल्स जो है डिराइव होते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में जो है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में इट शुड वर्क, बट अगेन अप्लाई कैसे करना है दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर. अब पहले जब ये प्रिंसिपल्स भी नहीं होते थे तो सिर्फ क्या बचता था कि तुम देख लो तुम्हें जो ठीक लग रहा है. ठीक है, अब तुम देख लो तुम्हें जो ठीक लग रहा है, पहले सिचुएशन हुई उसने एक तरीके से काम करा, फिर दोबारा सेम सिचुएशन हुई अब बी तरीके से काम किया हो. ठीक है, तो हो सकता है कि यू नो ए वाली सिचुएशन में ए वाला जो रिस्पॉन्स था हमारा उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन बी वाले रिस्पॉन्स में तो मतलब पूरा खराब ही हो गया था. तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर होता था पहले जब हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स नहीं होते थे. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. चलो ठीक है. अच्छा अवनीश, हाँ ठीक है, और बताओ और क्वेश्चन पूछो. Yes, ma'am. Ma'am, basically delegation का meaning क्या होता है? Delegation का मतलब होता है, ठीक है, अब मैं EDU 91 में हूँ, ठीक है? For example, CFO में, ठीक है? मैं CFO हूँ. अब आपको पता है finance से related कितने काम होते हैं, ठीक है? पहले तो सारे bills वगैरह से related काम होते हैं, फिर उसके बाद जो है हमें payments वगैरह से related काम होते हैं, फिर आ जाते हैं जो हमारे compliances वाला काम होता है, right? कंप्लायंसेज वाले काम होते हैं. कंप्लायंसेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, भाई जीएसटी पे करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, टीडीएस पे करना है, टीडीएस के रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करनी है. ठीक है, इतने सारे काम मैं तो अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बिल वगैरह सब हैंडल करने के लिए मैं एक मेरे अकाउंटेंट को हायर करती हूँ जो पूरा जो है मेरे बिल्स वगैरह मेंटेन करेगा. मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है टैली, फॉर एग्जांपल टैली में जो है वो सारी एंट्रीज जो भी मेरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाली जो जर्नल है, जर्नल मेंटेन करना, जैसे पहले तो जर्नल अपॉन क्या है हाथ पे जो प्रॉपर फिजिकल कॉपीज होती है उसमें मेंटेन करते थे, बट अभी सॉफ्टवेयर आ गए तो सब सॉफ्टवेयर में मेंटेन होता है. ठीक है, तो टैली में वो जो है मैंने उसको बोल रही है आप पूरा इसको मेंटेन करिए. पेमेंट्स के लिए जो है मैंने अगेन एक सिस्टम बना लिया है, मैंने SAP कर लिया है. SAP में क्या है, मेरे को जो है रिक्वेस्ट आएगी कि ये पेमेंट जो है रिलीज करनी है. ऑब्वियसली उसके लिए मेरे पास एक और यहाँ पे मुझे बंदा चाहिए जो इस SAP को मेंटेन करेगा, तो हम उसको बोल देंगे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अब क्योंकि वो पहले मुझे अप्रूवल भेजेगा, मैं देखूंगी क्या वो पेमेंट सही है, क्या वो पेमेंट ज्यादा है, मैं मैच करूंगी बिल से, TDS देखूंगी TDS प्रॉपर डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, फिर जाके जो है मैं उस ट्रांजेक्शन को अप्रूवल दूंगी, तो वो SAP सॉफ्टवेयर मेरे HDFC बैंक को कांटेक्ट करके बोलेगा हाँ ये पेमेंट आप रिलीज कर दो. अब कंप्लायंसेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सबको पता होता है कि हाँ भाई कौन सी रिटर्न्स कब फाइल करनी है, किसकी क्या ड्यू डेट है, क्या लास्ट डेट है. ठीक है, जैसे GSTR 1 की जो है 10th of every month होती है, GSTR 3 भी की जो है 20th of every month होती है. अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सारी डेट्स जो है एक्सटेंड हो चुकी हैं. ठीक है, अब इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती है, तो ये सब चीजें जो है ये हमारा CA मेंटेन करेगा. ठीक है, तो मैंने अब क्या क्या हायर कौन कौन कर लिया, मैंने अकाउंटेंट रख लिया, मैंने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रख लिया और मैंने CA रख लिया. अब कहने को तो ये सारा काम मेरा होना था, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने इन सबको काम दे दिया अपना, यानी मैंने डेलीगेशन कर दिया. अब SAP सॉफ्टवेयर के लिए जो है SAP सॉफ्टवेयर के लिए मेरे को कुछ अथॉरिटीज देनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव दिव्या है, तो मुझे दिव्या को अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना कि हाँ आप हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हो, तो ये मैंने उन्हें अथॉरिटी दी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लगा दी कि पेमेंट सबकी जो है विद इन 7 days ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस हो जानी चाहिए, मैंने उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी. जिसको पेमेंट नहीं जाएगी आपकी डांट लगेगी. ठीक है, तो डेलीगेशन में ना व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेलीगेशन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आ जाती है हमेशा, क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी दी हुई है लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी हुई है काम नहीं होगा. अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और अथॉरिटी नहीं दी हुई तब भी काम नहीं होगा. ठीक है ना, और आपने जब अथॉरिटी ज्यादा दी हुई है तो मिसयूज भी हो सकता है. तो डेलीगेशन का मतलब है बेसिकली अपना काम सौंपना, और ऐसे मतलब बेसिकली You are actually creating leaders for yourself when we say delegation. अब कल को अगर मान लो दिव्या पे मेरा बहुत अच्छा विश्वास हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं बोलूंगी कि हाँ यार ठीक है तुम अच्छा काम कर रही हो, अब तुम जो है
सीनियर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बन जाओ, ठीक है? हम तुम ये देखो कि हर महीने जैसे क्या है, मतलब सिक्स मंथली या फिर एवरी क्वार्टर हम अपने रिजल्ट्स जो है वेरीफाई करेंगे कि चलो देखते हैं हमारा कैसा, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा फेमस हुआ, ठीक है ना? तो लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्यूचर ऑफ डेलीगेशन. समझ आया अपार? यस मैम, थैंक यू मैम. तो अभी ये जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, लेटर ऑन वाले चैप्टर्स में, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है. ये तो मैंने आपको बहुत मतलब आसान भाषा में समझा दिया, इसके पूरा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सब पे भी जो है पूरा पूरा अच्छे खासे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे आगे चैप्टर्स. ओके ओके, ठीक है. और क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो. क्या बात है, डाउट ही नहीं है, मतलब इतने अच्छे बच्चे तो भगवान सबको दे, है ना? कोई डाउट नहीं है पक्का? शैल वी मैम, एक डाउट था. पिछले साल का सैंपल पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, एंड देन ऑप्शंस थे एप्लीकेबल इन लार्ज फर्म्स ऑन बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, फिर फ्लेक्सिबल और फिर कॉन्टिजेंट. मुझे ना एक सेकंड दोबारा बताना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, उसके बाद चार पॉइंट्स. मैम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट. अच्छा, आर नॉट, फिर ऑप्शंस थे एप्लीकेबल इन लार्ज फर्म्स. पहला कैंसिल को हो गया, सेकंड मैम एक्चुअली यही आंसर इसमें दे रखा है. अच्छा बेसिकली ओके ओके, दोबारा सारे पॉइंट्स बोलो. मैंने आर एप्लीकेबल जो है वो कर दिया, उल्टा समझ लिया. दोबारा बोलो सारे पॉइंट्स एक बार. फर्स्ट हो गया, सेकंड बोलो. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज ऑफ मैनेजर्स. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर. प्रैक्टिस आर नॉट फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स. ओके, थर्ड पॉइंट. Flexible. Are not flexible, ये तो गलत है. Contingent. Contingent. And पहला ऑप्शन क्या था? Are not applicable to large firms. यही आंसर मुझे रखा. नहीं, ये गलत है, ये आंसर, ये गलत है, 100% गलत है ये. मतलब principles तो हर फॉर्म में applicable होते हैं, कोई universally applicable है, but इसमें पता नहीं ऐसा आंसर उल्टा सीधा करे. हाँ, ये गलत है. मे बी शायद उन्होंने ऐसा करा होगा कि क्वेश्चन बनाते समय पॉइंट्स इधर उधर कर दिए होंगे जो ऑप्शंस हैं उसके. और आई थिंक इसका सेकंड भी नहीं है, इसका तो थर्ड भी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो है फ्लेक्सीबल होते हैं, कंटिंजेंट भी होते हैं, एंड प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स. सो कुछ भी इसका आंसर नहीं है. कोई नहीं, कभी कभी सैंपल पेपर में गलत आंसर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी. इसीलिए तो अब एक क्वेश्चन देखो, मैंने सारे रिव्यू करे थे कल जब मैं क्वेश्चन बना रही थी, तो तीन चार गलतियां थी, तो मैंने तीन चार जो है बता दी थी, लेकिन उन्होंने शायद एक छोड़ दी. तो इसलिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि बच्चे को देने से पहले ना आपको जो है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो क्वेश्चन पेपर एक्चुअली देने से पहले रिव्यू करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. तो आप लोग भी जब अपना क्वेश्चन सबमिट करते हो, जब अपना आंसर सबमिट करते हो, रिव्यू करके करा करो. अभी आजकल मैं अपनी पूरी टीम की जो है डांट लग रही है डेली बेसिस पे, वो लोग रिव्यू नहीं करते काम जो है फाइनल करने से पहले. मेल भेजी है, सब्जेक्ट नहीं लिखा, भेज दिया, रिव्यू नहीं किया, ठीक है. कोर्स लॉन्च किया, वैलिडिटी जो है अभी जो गड़बड़ आई, पिछला वाला जो कोर्स था आपके उसमें गड़बड़ क्यों आई? उसमें ना वन डे की वैलिडिटी कर रखी थी. मैंने बोला वन डे क्यों वैलिडिटी करी है, ये तो मतलब कॉमन सेंस है ना कि अब हम फ्री कोर्स है तो अभी इसको पूरा साल चलाएंगे. तो ये सब गलतियां, रिव्यू अगर हम ढंग से नहीं करते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है. इसलिए मेरा आज का मेन की टेव का वे आप सबके लिए यही है कि रिव्यू जरूर जरूर करना है. क्वेश्चन पेपर भी जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी अपने आंसर्स लिख रहे हो एक बार. इसलिए मैं बोलती हूँ कि ना मेरे बच्चों को जो है, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स मिलते हैं, यानी हमें 180 मिनट्स मिलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आपके पास 180 मिनट्स नहीं है, आप इसको जो है डिवाइड बाय 1.6 जो है, आप ये समझो इसको 180 इंटू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1.6 करेंगे क्या? ऑल आई एम ट्राइंग टू से, मेरी मैथ्स बहुत गंदी है. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि 180 मिनट्स नहीं, आपको जो है 150 मिनट्स मिले, यानी 30 मिनट्स जो है हम सोचेंगे कि फटाफट से उसको निपटाएं.
30 जब रहेगा, जो हमारे पास रहेगा ना कि यार मुझे 30 मिनट्स पहले अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है, अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, तो हमारी स्पीड, हमारी सोचने की स्पीड, हमारे फ्लो ऑफ थॉट्स, सब चीजें जो है फास्ट फास्ट करना स्टार्ट हो जाती है, और हम फैल फैल के करेंगे ना तो एंड में आके जो एक तो राइटिंग बहुत खराब आएगी, क्योंकि जब हम फास्ट फास्ट लिखते हैं तो बहुत गंदी राइटिंग लिखते हैं। सेकेंडली उस टाइम पैनिक होगा, तो सोचने में भी जो है ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम जो है सोचते रहेंगे, और है ना वो एक ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लिखूं कि सोचूं, लिखूं कि सोचूं, और उस कॉन्फ्लिक्ट में जब अपन फंस जाते हैं ना तो फिर इतनी खराब राइटिंग आती है, और इतना मतलब जैसे ना कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ चला जाता है, ऐसा लगता है कि बस एक एक जो इतना कॉन्फिडेंट हम होके गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, वो धीरे धीरे सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर होने लग जाता है। सो इसलिए स्टार्टिंग से ही अपना पेस मेंटेन करके चलना है। स्टार्टिंग में अगर हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे तो बहुत सिंपल है, इसको तो आराम से आधे घंटे में करेंगे, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से ही भाई जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है, पर जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ये भी नहीं है कि हम केस स्टडीज वाले क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। मैम एक क्वेश्चन है, मतलब मैम टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैम मतलब आप मैम जो रिटन टेस्ट कब लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस की आंसर्स की फ्रेमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को। राइट राइट, तो मैं सोच रही हूँ कि ना इस अब जो कमिंग वीक है उसमें मैं सबसे पहले चैप्टर वन के सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं वो रिकॉर्ड करके आपको चैप्टर वन प्रोवाइड करा दूं, और उसके बाद हम अगले वीकेंड पे जो है टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को भी मार्जिन मिल जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि अभी मेरे पास जो है लाइक आई हैव 2-3 थिंग्स टू डू, तो बट मेरा ये टारगेट है नेक्स्ट वीक का कि मैं जो एटलीस्ट चैप्टर वन के जो क्वेश्चंस हैं, आई हैव अराउंड 1 second, आई विल टेल यू, बता दूं कितने क्वेश्चंस हैं, खुश हो जाओगे तुम लोग। क्वेश्चन बैंक चैप्टर वन, ओके आई हैव लॉस्ट द काउंटिंग, बट 30, क्योंकि उसमें क्या है मैंने ना टॉपिक वाइज डिवाइड करवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, तो उसमें से पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगे हुए हैं। ओके आई हैव लॉस्ट काउंट, आई एम सॉरी, बट हैं मेरे ख्याल से 53 to 55 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हैं। एक सेकेंड रुकना ईशा बेबी, अभी मैं बाद में आऊंगी, बाय। मेरी नीस आई हुई है यहाँ पे आज मेरे पास, तो मुझे बाय बोलने आई थी। और मैम आप चेक जो है उसको मतलब आंसर्स की प्रोवाइड करोगे कि एक एक? हाँ हाँ आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, मैं एक दो का चेक भी करूंगी, सो दैट यू नो टू शो कि आप लोग कहाँ कहाँ क्या गलतियां कर रहे हो, और एक दो बच्चों की आंसर शीट से पता भी चल जाएगा कि बाकी मतलब बाकी वो गलतियां ना करें, वो रिपीट ना करें बेसिकली, क्योंकि हर किसी का चेक करना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा क्या आई मीन इट्स क्वाइट टफ। और मैं ये चाह रही थी कि मॉर्निंग में जो है अपन टेस्ट करेंगे और शाम में ही डिस्कशन कर देंगे, ऐसा करेंगे, मेरे को फिर लाइक बाकी दिन के लिए जो उसको डेफर नहीं करना, मॉर्निंग में अपन जो है रिटन टेस्ट लेंगे। तुम्हारा संडे तो नहीं खराब कर दूंगी ना मैं? अब तो वैसे हर दिन ही संडे जैसा लगता होगा, है ना? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा तुम लोग के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए, मैं ये शेयरिंग बंद कर दूं मैं? अब क्वेश्चंस तो नहीं पूछना ना किसी को और? नो क्वेश्चंस। चलो थोड़ी सी बातें करते हैं फिर अपन सेशन एंड करेंगे। अभी मुझे बताओ किस किस को जो है क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, या फिर जो है किस किस का मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, या फिर कैसी प्रॉब्लम्स जो है फेस हो रही हैं, और स्कूल स्टार्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मैम ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स, मैम कुछ भी समझ नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस पे। तुमको एडियो 91 पे समझ नहीं आ रहा बेटा? नो मैम, एडियो 91 पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, स्कूल में समझ नहीं आता बहुत, उसमें चैलेंजेस है ना, क्योंकि मतलब एक तो ध्यान नहीं लग पाता, इतने सारे बच्चे होते हैं, बीच बीच में किसी ने कोई अपना माइक खुला छोड़ दिया है, तो बहुत चैलेंजेस हैं उसमें। और ऑनेस्टली मतलब आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस, जैसे हम कभी भी मीटिंग करते हैं ना, सो बच्चे क्या करते हैं माइक छोड़ देते हैं, पीछे से आवाजें आ रही होती है, नॉइजेस आ रहे होते हैं, लेकिन आप सब लोग इतने मच्योर हो, क्लास 12th में होके भी आप सब ने पहले से ही अपना वीडियो और माइक ऑफ कर रखा है, आई मीन
I was literally impressed. मैंने कभी बोला नहीं था. जैसे अब मैं कभी अपने CA वाले स्टूडेंट्स के साथ सेशन करती हूँ तो जो फर्स्ट टाइम सेशन करता है ना तो उसके साथ ये गड़बड़ हो जाती है. कभी जो है कैमरा कुछ खुला हुआ छूट गया और वो कुछ कुछ करने लग जाते हैं. सो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी एटलीस्ट कि ऑनलाइन सेशंस अटेंड कैसे करने चाहिए उस केस में. तो काफ़ी मच्योर हो यार आप लोग वैसे. और रही बात अंडरस्टैंडिंग की तो इट्स ओके. मतलब अब जब आपके पास है ऑप्शन है सो थोड़ा सा वहाँ पे उसका प्रेशर मत लो. ट्राई करो समझने का, ट्राई करो टीचर से इंटरेक्ट करने का, आपकी प्रैक्टिस ही होगी. लेकिन अगर जो है ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो उसकी टेंशन मत लो कि यार फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा. बाकी आपके पास तो बैकअप है ना कि Edu91 पे यू कैन फाइंड ऑल दी लेक्चर्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी. फ्रेट मत करना, इंटरेक्ट करने की कोशिश करो. होमवर्क जो मिल रहा है उसको भी कंप्लीट करो बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स और इको का मैक्रो पार्ट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट. बहुत टफ भी है. मतलब अगर आप बोलोगे कि मैम सिंपल है नेशनल इनकम तो बेटा कहीं से भी सिंपल नहीं है. मतलब मेरे भी तोते उड़ जाते थे. ठीक है तो नेशनल इनकम की अलग से प्रैक्टिस करके जाना और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इनफैक्ट जिसको मतलब आगे इकोनॉमिक्स में कुछ करना है तो आप तो स्पेशल जो है उसको अटेंशन देना. ये सब चीज़ें ना हमें कोई बताता नहीं है. अब जैसे किसी को CA में इंटरेस्ट है और आप अगर अभी से अकाउंट्स में इंटरेस्ट लूज कर दोगे तो आपका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा फिर आपको. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज फाइंड योर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स दैट यू आर एंजॉइंग. अब किसी को लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ सकता है तो आप इंग्लिश ऑनर्स करो, राइट. सो फ्रॉम हियर ऑन आपको जो है एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट एरियाज फाइंड करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन प्लान योर फ्यूचर. एंड सिंपली बस एक चीज़ बोलूंगी, चलने दो जैसा चल रहा है अभी ऑनलाइन सेशन स्पेशली बिकॉज यू नो एटलीस्ट आपके टीचर्स भी चलो एफर्ट्स कर रहे हैं. बेचारे स्कूल वाले टीचर्स भी दे कैन नॉट डू एनीथिंग. गवर्नमेंट ने अभी नहीं अलाउ कर सकते और आपको भी पता है केसेस बढ़ रहे हैं. एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करने दे रहे हैं तो नॉर्मल स्कूल तो क्या ही कंडक्ट करने देंगे. सो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं एंड यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू टेल टू योर जूनियर्स और मे बी टू योर किड्स. सो लेट्स ऑल यू नो फाइट दिस टुगेदर. और बताओ मैम एक और चीज है मैम, जैसे मतलब मुझे नोटिस मैंने किया कि मैम मतलब मेरे अकाउंट्स वगैरह में तो मतलब फुल और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लेकिन मैम BST में ये चीज है जैसे MCQs में मैम याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि एक लाइन जैसे NCERT की लाइन याद नहीं हो पाती. तो मैम उन सब चीजों को समझ में नहीं आता कैसे करूँ, मतलब टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करूँ वो नहीं आता समझ में. देखो बिजनेस स्टडीज की ना खास बात यही है कि जितनी रिविजन्स आप बिजनेस स्टडीज में लगाओगे ना उतनी शायद आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं लगाओगे. इको में अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी मर्जी से आंसर लिख कर आओगे, दो चार कीवर्ड्स आपके मैच होने चाहिए, मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में तो NCERT कोई रेफर ही नहीं करता. सब लोग जो है रेफरेंस बुक ही रेफर करते हैं जो आपकी पब्लिशर्स वगैरह या फिर ऑथर्स वगैरह जो लिखते हैं, TS ग्रेवाल या फिर DK गोयल, मेनली यही दो बुक्स चलती हैं इनमें से आता है. पूरी बुक्स जो है आपको 3 बार सॉल्व करनी है और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बात खत्म. BST का क्या है ना, अगर हमारी रिविजन प्रॉपर नहीं होती ना हम भूल जाते हैं. ठीक है एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो हर्ष ने बहुत बहुत अच्छे से पॉइंट आउट भी की है कि यार ये वर्ड्स जो है ना पॉइंट टू पॉइंट और ये जो लाइन टू लाइन बिजनेस स्टडीज की NCERT का है वो कैसे याद करें. देखो पहली बात जैसा कि मैंने सबको बोला है, मैंने कोर्स के ड्यूरेशन में भी बोला है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, NCERT 2 बार कम से कम पढ़कर तो जानी ही पड़ेगी. और ये तो मतलब शुक्र मनाओ मेरे नोट्स जो हैं वो डिट्टो NCERT की ही कॉपी हैं. मतलब मैंने जो है ये कुछ नहीं करा कि हाँ ठीक है मैंने लाइन्स चेंज कर दी. सो इफ यू विल रिवाइज ऑल दीज थिंग्स बार बार ना तो इट विल गेट इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. सो ये अभी टेंशन मत लो कि यार अभी नहीं हो रहा पता नहीं बाद में कैसे होगा. अब देख लेना हर्ष आपके जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बिजनेस स्टडीज में, आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू प्रोवाइडेड आप अच्छा पढ़ो. मतलब मैं गारंटी दे दूं और आप जो है पढ़ाई नहीं करोगे, मस्ती में रहोगे, आप जो है लाइक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन दैट्स नॉट गोना हैपन. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग न्यू चैप्टर्स. ठीक है अभी क्या है फॉर एग्जाम्पल हर्ष ने जो है 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट तक पढ़ लिया, अभी प्लानिंग स्टार्ट करना है. बट होगा क्या प्लानिंग के चक्कर में क्या है प्लानिंग बस सिलेबस कंप्लीट करने की जो है होड़ लगी रहेगी कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है. डोंट डू दैट. कंप्लीट योर चैप्टर बट
एक बार वापस जाओ अपने चैप्टर वन पे, देखू तो सही मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखू तो सही कि मुझे जो है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जो मैंने पहले याद किया था मुझे याद है कि नहीं है. सो दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट विद बिजनेस स्टडीज. एंड बिजनेस स्टडीज इज अ सब्जेक्ट जिसको जो है मैं अगर बोलूंगी, अगर आप हफ्ते में भी जो है थोड़ा सा रिविजन करते रहोगे ना, यू विल स्कोर अमेजिंग मार्क्स इन योर एग्जाम, ट्रस्ट मी. ठीक है. एंड केस स्टडीज के आने से तो जो है थोड़ा और रिलीफ मिला आपको. अभी जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें तो क्या है थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि बच्चे को तो डिटो पता होना चाहिए. बट केस स्टडीज के साथ क्या है, केस स्टडीज में बच्चे का दिमाग देखना है, उसे टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, राइट. सो डोंट थिंक कि केस स्टडीज बेकार है, केस स्टडीज से एक्चुअली हेल्प हुई है. अगर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, जैसे हमारे टाइम पे केस स्टडीज मतलब बहुत कम होती थी, इक्का दुक्का ही होती थी, बट हमारे टाइम के बाद से मैंने देखा है बच्चों की जो टेंशन बढ़ी है कि केस स्टडीज, इतने केस स्टडीज और फिर मैंडेटरी हो गया था. सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट थिंक कि केस स्टडीज जो है बेकार है, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स. इट्स एक्चुअली बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं रादर देन कि आपने रट्टा कितना अच्छा मारा है. ओके, सो सिर्फ हमारे पास कमी बच्चे बचे हैं. आई हैव अनदर सेशन इन 10 मिनट्स, सो आई थिंक बाय बोल दें या फिर एक अदर क्वेश्चन पूछना है तो लास्ट में. एक और है क्वेश्चन. हाँ जी चिराग. यस मैम, एज एग्जांपल मेरे स्कूल में थोड़ा जल्दी पोर्शंस करा रहे हैं. हम लोग का स्टाफिंग तक कंप्लीट हो गया है. ओके, स्टाफिंग तक तो आप मुझे डिवाइस कर सकते हो कि एक चैप्टर को कितना दिन देना चाहिए, अगर मेरे पास अभी 2 महीने की ऑलरेडी है तो. ओके, सो डू यू हैव एनी आईडिया कि आपका हाफ ईयरली में कौन से कितने चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि तभी मैं बता पाऊंगी. अभी नहीं, अभी पोर्शन का आईडिया नहीं है, पर मैं सोचा था कि स्टाफिंग तक कैसे डिवाइस करना चाहिए कि एक चैप्टर हो जाए, मतलब कितने दिन देने चाहिए एक चैप्टर को ऐसे. ओके, स्टाफिंग तक. ओके, सी देर आर चैप्टर्स जो आपके जो है 3 दिन में भी हो जाएंगे, एंड देर आर चैप्टर्स जिसमें आपको 4 दिन लगेंगे. जैसे डायरेक्टिंग वाला चैप्टर मुझे थोड़ा बड़ा लगता है, सो आई विल सजेस्ट उसमें आप जो है 4 दिन लगा दो. एंड व्हेन आई से 4 डेज, इसका मतलब ये नहीं है पूरे दिन लगे पड़े बिजनेस स्टडीज पढ़ने के, ये कि आप एटलीस्ट लाइक 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, अगर आप 1 घंटे में भी अच्छा रिवाइज कर सकते हो प्लीज डू दैट, बट 2 से 3 घंटे आप अगर डेली पढ़ोगे तो जो है काम बन जाएगा. चैप्टर्स लाइक मैनेजमेंट, पहला चैप्टर बहुत ईजी है, 2 दिन में हो जाएगा. सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, बट उतना लंबा नहीं है, लेंदी नहीं है, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है याद करने के लिए. टेलर और फ्योल के ही प्रिंसिपल्स हैं और अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स हैं वही सब है ज़्यादा करने के लिए, तो वो भी 2 दिन में हो जाएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट अगेन वेरी ईजी, अगर ज़्यादा मोटिवेट हो गए हो 1 दिन में कर डालो उसको, बट 2 डेज इज गुड इनफ, राइट. देन आपका प्लानिंग, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद सबसे इजी प्लानिंग ही लगता है. नहीं, प्लानिंग नहीं, मुझे कंट्रोलिंग लगता है, उसके बाद प्लानिंग लगता है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंट्रोलिंग और फिर आपका जो है प्लानिंग, बहुत इजी चैप्टर है, अगेन 2 डेज. फिर अब यहाँ से जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ना शुरू होएगा. ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा टफ है, 3 दिन लगा दो, ठीक है. डायरेक्टिंग थोड़ा सा टफ है, 4 दिन लगा दो, मतलब वो तो लेंदी भी है तो 4 दिन लगा सकते हो उसमें, ठीक है. स्टाफिंग मतलब इक्वली, मतलब इक्वल लेवल है उसका डायरेक्शन के जितना, बट देखो अगर आप 3 दिन में कर सकते हो तो, क्योंकि मुझे स्टाफिंग थोड़ा इजी लगता है डायरेक्टिंग से, ठीक है. सो उसको 3 दिन में निपटाने की कोशिश करो. अगर 3 दिन में नहीं होता तो यू कैन इजीली एक्सटेंडेड अप टू 4 डेज, लेकिन 4 दिन से ज्यादा करोगे. हाँ जी, हाँ, सो दैट्स इट. आई थिंक आई वॉज एबल टू आंसर यू चिराग. थैंक यू मैम. मु को होची की ए गोटे चैप्टर नो प्लानिंग गोटे दिन करू छंती. निलय, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश. मैम मैं बोल रहा हूं कि बीएसटी क्या मुझे खाली एनसीईआरटी से करना है या फिर और कोई अदर बुक भी रेफर करना है? नहीं, आप सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करिए, जो मैं आपको नोट्स दूंगी आप वो रेफर कर सकते हैं, और आपको जो मैं क्वेश्चन बैंक रेफर करूंगी वो रेफर कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी इज द लाइक मेन बुक, आपको वो रेफर जरूर जरूर करनी है. हर एक बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो एनसीईआरटी तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना. नोट्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं? वहीं पे.
I'm new, right? So I don't know that. Okay. So if you will log in your account on Edu91, then you go to My Courses. Yeah. And My Courses mein there are a lot of sections. बहुत सारे sections बने हुए हैं. तो एक notes का अलग से section बना हुआ है. नहीं तो जो है I think तरुण यहाँ पे नहीं है ना? तुषार है कि तरुण है हमारा student जो सबसे ज़्यादा बातें करता है वहाँ पे. I'm तरुण. तरुण है ना? So Tarun ko tag karke bol do, he will provide you. He has all the notes and all. So you can find NCERT notes also there. And the presentations from which I teach, to aap wo bhi refer kar sakte ho. Aur MCQ jo aapke account mein already add ho chuka hai. Question bank bhi jo hai, main wahin pe hi bana dungi. I was thinking that I will create a, you know, dedicated course for question bank. So wahin pe aapko ek saath sara question bank laga hua dikh jayega aur wahan pe videos bhi dikh jayengi. Theek hai na? Done. And it's time. I push off because I have a session at 4. Okay? Ma'am. Okay, ma'am. Bye. Okay, Hello. Guys. Nidhi. Yes, ma'am. Ma'am, aap help kar sakte ho eco ke lectures bahut slow upload ho rahe hain. Beta, main bol dungi itni help kar sakti hu main. Theek hai? Maine bol diya hai. Waise maine kaafi occasions pe bola hai and then they all are saying ki we are bucking up, we'll do it fast. Okay? Okay, ma'am. Thank you. चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच कि आप सबने जो है टेस्ट दिया और अच्छे से जो है पढ़कर आना नेक्स्ट सेशन के लिए. तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय.